राधा। इस समय बात करेंगे हम सीरियल भाग्य लक्ष्मी की, जहां भाग्य लक्ष्मी में अब यहां ऋषि उठाने वाला है बड़ा कदम। जी हां, यहां पे हाल फिलहाल में एक प्रोमो आया, जिस प्रोमो में देखने को मिला कि कैसे यहां पे लक्ष्मी अपना पास्ट याद करती है और इस पास्ट में यहां पर रोहन की असलियत से पर्दा उठता है। देखिये, यहां पर लक्ष्मी ने 7 साल पहले 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। वो उस हादसे में बचने के बाद वो गुरदासपुर रह रहे थे और यहाँ जब अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वो यहाँ जो है वो खुश थे, लेकिन यहाँ पर जो है उसे बहुत ज्यादा बुरा तब लगेगा जब उसका बेटा यहाँ छिनता हुआ नजर आएगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ जो लक्ष्मी है, शालू है, ये दोनों यहाँ लक्ष्मी के बच्चे को लेकर के यहाँ घूम रहे होते हैं, लेकिन अचानक यहाँ पे दंगा हो जाता है। इस दंगे में अब यहाँ जो है वो लक्ष्मी से उसका रोहन अलग हो जाएगा। दोनों यहाँ काफी ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ यहाँ पर जो लक्ष्मी है वो रोहन को बचाती है, तो यहाँ पर पारो को शालू बचाती है। जहां पर इन दोनों में से अब यहाँ पारो ही बच पाएगी, लेकिन रोहन का नामो निशान नहीं मिल पाएगा। यानी कहे इस दंगे में यहाँ बिछड़ जाएगा रोहन और लक्ष्मी यहाँ चारों तरफ यानी हर जगह देखते हुए नजर आएगी, लेकिन रोहन का कुछ अता पता नहीं चलेगा। भाई वो एक माँ है और यहाँ उसकी ममता झलकते हुए नजर आएगी और वो यहाँ पर रोहन के बिछड़ने के बाद बिल्कुल पागल सी हो जाएगी। वो चीखते चिल्लाते हुए नजर आएगी, रोहन रोहन करेगी, लेकिन रोहन कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रोहन बिछड़ चुका है। उसको किसी जो है अनजान लोगों ने उसे अनाथ आश्रम छोड़ दिया। जैस दंगे में सब कुछ यहाँ पर लक्ष्मी का उजड़ गया, या कहे यहाँ पर ऋषि और नीलम की प्लानिंग, या कहे इन दोनों की बातों के बाद जो है यहाँ पर लक्ष्मी की पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई। यहाँ पर सब पारो बची और वो लक्ष्मी यहाँ पार्वती के साथ रहती हुई नजर आ रही है और यहाँ उसी के सहारे अब लक्ष्मी जी रही है, लेकिन वो अपने अतीत को लेकर के अब तक यहाँ पर नहीं जो है वो उभार पाई है। अब ऐसे में यहाँ जो लक्ष्मी है वो काफी ज्यादा परेशान है। वो पार्वती को कुछ नहीं होने देना चाहती और ना ही रोहन को। जब रोहन को खरोच आ जाती है तो वो यहाँ काफी ज्यादा सहम जाती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अब जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, वो रोहन को कुछ नहीं होने देगी। यहाँ रोहन जब ठीक हो जाता है तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिलहाल देखिये, अब यहाँ पर जल्द ही ऋषि को ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ जो पार्वती है उसकी बेटी है। अब ऐसे में लक्ष्मी से छीनने के लिए अब आ जाएगा पार्वती को। देखिये यहाँ पे वो कितना खुदगर्ज इंसान है, इतना ज्यादा बुजदिल है। यहाँ पर जो है वो लक्ष्मी को बुलाने की जगह, माफी मांगने की जगह वो उससे उसकी बेटी छीन रहा है, यानी कि पार्वती को छीन करके ले जाना चाहता है। हालांकि पारो को यहाँ पर सच नहीं पता, लेकिन ऋषि को पता चल चुका है कि पार्वती उसी की बेटी है। अब यहाँ पे जो पारो है वो उसकी बेटी है और ऐसे में यहाँ पार्वती को छीन कर ले जाएगा। यहाँ नीलम करिश्मा दोनों देखते रहेंगे, नीलम करिश्मा दोनों यहाँ तमाशा करने वाली है। वही लक्ष्मी को यहाँ अरेस्ट करवा देगा और यहाँ बेचारी लक्ष्मी जो है वो अब अपने बच्चों से अलग हो जाएगी। अब यही से जो है एक बड़ा बदलाव आएगा लक्ष्मी की जिंदगी में। लक्ष्मी अब यहाँ पर जो है वो पुरानी लक्ष्मी नहीं, और यहाँ जो है वो अब दिखाएगी अपना रौद्र रूप और ना ऋषि को छोड़ेगी और ना ही नीलम को छोड़ेगी। यानी अपने बच्चों को तो एक को खो ही चुकी है और पार्वती को नहीं खोना चाहती, यानी वो सबसे लड़ जाएगी, ऋषि से भी लड़ जाएगी और अपनी बेटी को यहाँ जो है वो लेकर के आएगी। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर लक्ष्मी के इस चंडाल रूप को देखने के बाद क्या नीलम में अब आएगा कोई खौफ? क्या होगा अब यहाँ पर नीलम का अगला प्लान, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बाकी ऐसे मोर अपडेट्स जानने के लिए आप टिक टीवी को फॉलो जरूर करें।